हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट विश्वजीत साहू आज एक सेकंड ब्लॉग लेके आपके सामने फिर से रूबरू हुआ हूँ। आज के सेकंड ब्लॉग में जानेंगे मोटिवेशनल टॉपिक। मोटिवेशनल टॉपिक क्या है, हम मोटिवेट कैसे रहे, हर समय हमें मोटिवेट हम कैसे रह सकते हैं। तो मोटिवेशन का हम आज 3 स्टेप जानेंगे, क्या कैसे हम मोटिवेशनल हर समय रह सकते हैं। पहला स्टेप है, क्या हमारे पास पैसे बहुत सारे होने से क्या हम मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर हम जो लाइफ में बनना चाहते हैं, जो हम आगे तक एक्चुअल में जाना चाहते हैं, अगर वो हमें मिल गया तो हम अपने लाइफ में एनी टाइम मोटिवेट हो सकते हैं। क्या मोटिवेशनल हर टाइम आप अपने लाइफ में अप्लाई हो सकता है हमारे लाइफ में जो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज़ मोटिवेट एक ऐसा चीज़ है ना, मोटिवेशनल का मतलब पैसा कि वो जो मुकाम पाना, ये मोटिवेट नहीं होता। अगर आप अंदर से एक्चुअल में मोटिवेट होना, जैसे कि आपको जो अंदर से फील हो कि नहीं मैं आज हैप्पी बहुत हूँ, तो वो मोटिवेट और वो वाला मोटिवेट में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आज मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो घर बैठिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने देश को, जैसे अभी COVID-19 बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें मतलब देश की जो आबादी है उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो प्लीज़ घर पे रहिए और ऑक्सीजन की मात्रा के लिए प्लीज़ गाइस, मैंने एक पहल स्टार्ट की है, उस पहल के तौर पर आप लोग पेड़ लगाइए, क्योंकि जब तक आप पेड़ नहीं लगाओगे तो आने वाले इन केस फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन की बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ अपने घर के आंगन या बाहर लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताइए कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना स्टार्ट करिए। तो आज एक मोटिवेट की बात ये कहना चाहूँगा कि अब ब्लॉग भी आप लोग समझ सकते हो, पहला ब्लॉग मैंने अपने शहर के मतलब कुछ मंदिर में जाके वो ब्लॉग बनाया था, पहला ब्लॉग था, ये सेकंड ब्लॉग है। तो आज के ब्लॉग में कुछ अलग ही जानने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक मोटिवेट बात किया जाए। व्हाट इज़ अ मोटिवेट, मोटिवेट कैसे रहे, मोटिवेट यार होने के लिए ना पहले तो खुद को ही मोटिवेट कैसे करना चाहिए। जिन चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपका जिन चीज़ में मन, जो से आपका मन होता हो कि अरे हाँ मुझको ये चीज़ अपने लाइफ में करना चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग करिए। क्योंकि यार टाइम का कुछ नहीं पता, अभी टाइम जितना है आपके पास, अगर टाइम आज आपको मिला है ना, तो आप अपने आप टाइम का यूटिलाइज़ करना सीखिए, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है वो हर समय हमारा साथ नहीं दे सकता। तो टाइम हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में आप वो मुकाम पाने के लिए वो अपना ड्रीम बनाइए, वो गोल बनाइए जिस गोल में आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो गोल का स्टेप भी कम होने लग जाता है। तो गाइस, अगर आप भी अभी नौजवान पीढ़ी में हो तो प्लीज़ वो गोल सेट करिए जिस गोल में आप पहुंचना चाहते हो। मेरा ये सेकंड ब्लॉग मैं यहीं तक मतलब ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आने वाले टॉपिक की वीडियो भी आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।